हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मम्मी की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं कच्चे टमाटर की स्वादिष्ट चटनी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 4 कच्चे टमाटर और इसको हम भून लेंगे मीडियम फ्लेम में करके भूनेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे। हाई करेंगे तो सिर्फ ऊपर का जो छिलका है इसका वो ब्लैक हो जाएगा और अंदर से वो भूनेगा नहीं। तो अच्छी तरह से इसको हम भून लेते हैं ब्लैक होने तक। इसको चारों तरफ से घुमाते घुमाते भूनेंगे, नहीं तो एक साइड अच्छे भुन जाएगा, दूसरे साइड भुनेगा नहीं अच्छे से। तो इसको हम भून करके तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते होंगे जैसे इसका जो छिलका है वो ब्लैक हो जाएगा, तो मतलब ये अच्छी तरह से भुन चुका है। तो हमारा भुन के तैयार हो चुका है ये कच्चे टमाटर। इसको हम साइड में निकाल लेंगे एक प्लेट में। इसको डायरेक्ट छीलेंगे नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा हम पानी डालेंगे जिससे थोड़ा ठंडा हो जाए। तो पानी डालने से क्या होता है, ठंडा भी हो जाएगा और जिसके ऊपर इसका छिलका है वो अच्छी तरह से निकल जाता है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती निकालने में इसको। तो फ्रेंड्स, हमारे छिलके निकल के तैयार हो चुके हैं। इसको हम चाकू की मदद से कट कर लेते हैं। कट करने से क्या होगा कि मिक्सर में अच्छी तरह से पिस जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा टमाटर कट के तैयार हो चुका है। हमने मिक्सर का जार, उसमें डालेंगे हरी धनिया, फ्रेश हरी धनिया हमने लिया है। और यहाँ मैं डालूँगी घिसा हुआ नारियल। ये मेरा नारियल ताज़ा फ्रेश नारियल है, आप चाहे तो सूखा नारियल का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ मूंगफली लिया है मैंने, इसको मैंने भून करके इसके ऊपर का जो छिलका है उसको निकाल दिया है। 2 हरी मिर्च और अदरक, ये सब डाल देंगे। और ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे हम पानी, पानी से जो हमारी चटनी है थोड़ी सी पिस जाएगी। तो ज़्यादा पतला नहीं पीसना है, दरबरा ही पीसना है, क्योंकि टमाटर डाल के पीसना है हमें। तो हमारा पीस के तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते होंगे ज़्यादा मैंने पतला नहीं पीसा है, दरबरा ही पीसा है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे जो टमाटर हमने भून के रखा है उसको हम डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, आप पहले भी डाल सकते हैं लेकिन बाद में डाल रही हूँ नमक। तो ये सब डाल करके इसको हम फिर से पीस लेते हैं टमाटर को डालने के बाद। तो फ्रेंड्स, तो हमारा चटनी बनके हो गया है तैयार, आप देख सकते होंगे। तो फ्रेंड्स, अपनी चटनी को हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। बाउल में निकालने के बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं चटनी फ्राई करने के लिए। चटनी फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है और राई का तेल। राई का तेल क्योंकि शुद्ध होता है, तो राई के तेल में हम डालेंगे 1 चम्मच राई, 1 छोटी चम्मच मूंग की दाल, 4-5 करी के पत्ते। मैंने अपने कलछी को इसलिए साइड में कर दिया, नहीं तो इसका जो छींटा पड़ता है इससे फायर भी हो सकता है, इस मैंने साइड में कर दिया था। और इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, मैंने गैस को बंद कर दिया है, लाल मिर्च पाउडर और लाल मिर्च जो सूखा वाला होता है उसको डालूँगी। इन सबको डालने के बाद चम्मच से मिलाऊंगी अच्छी तरह से। जो मैंने चटनी बनाया है ना उसको बाउल में निकाले हैं उसमें मैं डाल दूंगी। तो हमारी चटनी फ्राई हो चुकी है। अब चटनी का स्वाद बहुत टेस्टी आएगा, एक बार ज़रूर ट्राई करिए। इसको आप पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, भजिया के साथ, पकौड़े के साथ, किसी के साथ भी आप खा सकते हैं, जो बहुत टेस्टी रहता है, बहुत स्वादिष्ट है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।